दोस्तों ये एक गुड्डे की कहानी है तो, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि प्यार में कितनी ताकत है। प्यार साथ हो तो इंसान आसमान छू ले, और अगर बिछड़ जाए तो धरती को भी नरक बना ले। ऐसा ही कुछ था पन्ना यादव के साथ। पन्ना यादव एक ड्राइवर था। पहले वो गांव में ठाकुरों की गाड़ी चलाता था, लेकिन अच्छे पैसे के लिए वो शहर आ गया। वहां उसे एक दरोगा ने काम पर रख लिया। पन्ना पूरे मन से अपना काम करता, लेकिन कुछ समय से दरोगे को लगने लगा कि पन्ना का दिमाग काम के अलावा और भी कहीं चल रहा है। दरोगा ने पन्ना के पीछे अपने कुछ लोग छोड़ दिए। उन्होंने एक दिन पन्ना और दरोगा की बेटी को साथ देख लिया। दरोगा गुस्से में घर आया। पहले तो उसने पन्ना को मारा और फिर उसे काम से निकाल दिया। पन्ना समझ चुका था कि उसके राज खुल चुके हैं। पन्ना रोज दरोगा की बेटी शालिनी को कॉल करता, लेकिन शालिनी का फोन नहीं लगता। एक दिन वो दरोगा के घर के बाहर से जा रहा था, तो उसने देखा पूरा घर झलारों से सज गया है। उसने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दरोगा की बेटी की शादी तय हो गई। पन्ना और दरोगा की बेटी दोनों ही ये नहीं चाहते थे, लेकिन दरोगा के आगे दोनों ही बेबस थे। शालिनी की शादी हो गई और वो यहाँ पन्ना गम में डूब गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि शालिनी की आग में जल जाने से मौत हो गई। किसी को उसकी वजह नहीं पता, लेकिन पन्ना को पूरा मामला जानना था। पन्ना ने पता किया और सभी लोगों ने उसे यही कहा कि शालिनी अपने पति को खुद को छूने भी नहीं देती थी और कहती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसी सबके बीच खबर आई कि शालिनी पेट से, और इसी बात के गुस्से में आकर उसके पति ने उसको जला दिया, क्योंकि वो जानता था कि बच्चा उसका नहीं। पन्ना ये सुनकर टूट गया। पन्ना ने सिर्फ शालिनी को ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी खो दिया। और तब से पन्ना ने सोच लिया कि वो क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। KGF 3 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।